दोस्तों नमस्कार। आज हम दो बात को आप लोगों के सामने में अपडेट देने आया हूँ। एक है कि हमारा एक किडनैपिंग केस है जो IMC इशू को रिलेटेड को लेकर 1415 फाइनेंस कमीशन को लेकर। दूसरा है कि 1415 फाइनेंस कमीशन को ये अभी तक SIC में विजिलेंस में पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं कर रहा है, ना ही कोई चार्जशीट फाइल कर रहा है। तो इसलिए मैं विस्तार से आप लोगों को एक दो शब्द बताएगा यहाँ पर हमारा किडनैपिंग का केस को लेकर अभी तक क्यों। अभी तक तीन IO जो बदल चुका है, एक SP जो बदल चुका है, जो कि वहाँ पर मैंने सस्टेंट एकदम एविडेंट देकर रखा हुआ है। अभी उनको जब भी मैं केस का अपडेट लेता हूँ, हम केस बना रहे बोलता है, लेकिन केस को अभी तक बनाया नहीं है। तो हम ये देखने को मिल रहा है। दूसरा अभी हमने देखने को मिला है कि हमारा एक जो है कि ये IMC का केस को, घोटाला का केस को, करप्शन का केस को लेकर जो हाल ही में SIC लोगों को केस को सौंप दिया गया है, जो गवर्नमेंट भी अप्रूवल दिया, लेकिन यहाँ पर SIC वालों ने, मैं नहीं कहूँगा कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा देर हो रहा है, बहुत दिले से धीमी से चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि SIC वालों थोड़ा तेज़ी से काम करे और तेज़ी से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को करे। वहाँ पर ऊपर में जो लीका झोंका है, वो आपको ऊपर में जो गलत काम है देखने को मिलेगा, ज़्यादा ये बल्कि नहीं है। वहाँ एक सबसे पहला बात तो वहाँ में हमारा कमिश्नर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को भी उसको पार कर देता है, और प्लस हमारा जितना गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, GRP रूल होता है, वो वायलेशन तो वहाँ है ही। दूसरा बात ये है कि वहाँ पे अभी कॉरपोरेटर लोग, जितना इलेक्टेड कॉरपोरेटर लोग अपना पारम में काम कर रहा है। दूसरा है वो ये है कि वहाँ पर काम ही नहीं हुआ है, तब पैसा एडवांस में काम करके उतारने वाला, ये ऐसे ऊपर में ऐसे देखने को मिलता है। तो इस तरह से थोड़ा धीमी गति से इन्वेस्टिगेशन को तेज से लेकर नहीं जा रहा है। तो तीसरा है कि यहाँ पर हम अभी ये बता दें कि हाल ही में आप लोगों को पता है IMC का ऑफिस बन गया। वो ऑफिस एक लिपाई पोताई में बना हुआ है। ऑफिस का दो प्रकार में काम कर रहा है। सबसे पहले ऑफिस को खरीदा जाता है, तो वो भी एक गलत तरीका से खरीदा जाता है। पब्लिक कैटरिंग के लिए होने से ऑफिस को आपको बीचों बीच में बनाना चाहिए था, ईटानगर या नाहरलगन का बीच में बनाना है आपको, ताकि सुविधा मिले चिंपू वाला भी, नाहरलगन, ईटानगर, बंदरदेवा वाला, जितना उधर में एक साथ, मतलब कि बीच रास्ता में बनाना है। वो ऑफिस ऐसा है कि अपना एक वर्कर को पैदा दिलवाने के लिए इतना, जो असली जो अप्रूवल जो ऑफिस लोकेशन है, जो पापुनोला में एक्चुअली में गवर्नमेंट जो अप्रूवल जो वहाँ से आया था, वहाँ में बनना था, लेकिन यहाँ पर अपना जो वर्कर निजी उसमें पैदा दिलाने के लिए 10-15 साल पहले का बिल्डिंग जो पड़ा ऐसा बेकार में पड़ा रहने वाला को लिपाई पोतर मार के अभी वहाँ इनोग्रेशन करवाने जा रहा है। दरअसल ये गलत है, और ये बल्कि गलत ये सिर्फ नहीं है कि हम ये बोलता है कि अब जहाँ पर ऑफिस को, जहाँ पर सेंक्शन हुआ है, जहाँ पर लोकेशन जो अप्रूवल गवर्नमेंट से अप्रूवल आता है, वह बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। गलत उसी में हम मानता है, हम ये नहीं कहता ऑफिस नहीं बनना चाहिए, ऑफिस बनना है, लेकिन ऑफिस जहाँ में एक नियम होता है, जो पब्लिक कैटरिंग सर्विस देना है, जो ज़रूरतमंद को, जो गरीब लोग को, और जो लोग दूर दराज में गाड़ी घोड़ा नहीं है वो जा नहीं सकता, उसमें आप लोग सर्विस देना है। दूसरा जो ये आज हमको देखने को मिल रहा है कि IMC में हमने तो सुन रहा है कि यहाँ पे जितना जो आउट ऑफ टोन प्रमोशन वाला को भी करप्शन करवाने के लिए, जो सरकार जो बोलता है कि आउट ऑफ टोन प्रमोशन को भी हम लोग कभी इनकरेज नहीं करें, सिर्फ मीडिया और पेपर में बोलता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ से, अर्बन से लेकर, पंचायत से लेकर, जहाँ तहाँ से यहाँ उठा के आउट ऑफ टोन प्रमोशन में AE बना के, एग्जीक्यूटिव बना के यहाँ पर काफी घोटाला का काम कर रहा है। इतना बल्कि सिर्फ नहीं है, अपना बीबी का नाम पे पारम में काम करवा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ये मेरा एक्नोलेज दे रहा है, वो आपको ऊपर से इसलिए हम देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को सारा जो ब्रीफ नोट दिया वाला है, इसलिए थोड़ा से इन्वेस्टिगेशन को मैं चाहता हूँ तेजी से करें। तो दूसरा अभी यहाँ पर हमारा FIR को बात को लेकर सरकार अभी तक क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर जितना जो कॉल रिकॉर्डिंग है, जितना वहाँ पे सस्टेनेबल एविडेंस से मैंने दे दिया, तो सरकार अभी तक क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते मैं सरकार को, मैं ये चेतावनी नहीं है मेरा तरफ से, 15-14 दिन और मैं सरकार को अभी मैं टाइम देता हूँ। अगर 14 दिन में पुलिस प्रशासन भी चार्जशीट फाइलिंग करने फेल हो गया, आपका ये विजिलेंस भी फेल हो गया,
तो हम अपना तरीका से डेमोक्रेटिक वे ऑफ मूवमेंट में हम शुरू करेंगे। दूसरा जो हम अगर ऐसा कंट्रोवर्सी चीज़ को अगर ख़त्म नहीं करके अगर ऑफिस इनोग्रेशन करता, हाँ अगर हम चीफ मिनिस्टर होता, होम मिनिस्टर होता या तो डिप्टी सीएम होता, गलत तरीके से काम करने हम होने से, अगर हम होने से मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता मैं वहाँ पर कोई इनोग्रेशन भी करने नहीं जाता, क्योंकि ऑफिस भी कोरोना वाला है और जिस मेकअप लगाने वाला ऑफिस जैसा है वो कुछ काम का नहीं है। 10-15 साल पुराना ऑफिस को ऐसा लगा हुआ है और निजी फायदा के लिए किया जा रहा है, तो उस वो ऑफिस में भी अभी बिना टेंडर में अपना एग्जीक्यूटिव का पारम लोगों को काम करवा रहा, क्लास वन को 2-3 करोड़ का, 1-2 करोड़ का, 50-80 लाख का वाहवार को उधर बना के पूरा गलत तरीका से काम करवा रहा है। ये एक नंबर का गलत है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर फेल हो जाता है, कल हम लोग और दूसरा हायर अथॉरिटी तक जाएगा, कहाँ कहाँ में इन्वेस्टिगेशन और सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जाएगा। हम लोग अभी चोरेगा नहीं, 14 दिन आप लोगों को हम लोग टाइम देता है, उस टाइम तक आप लोग चार्जशीट पूरा समित हो जाने सरकार को। और ये सरकार हमेशा बोलता है ना कहूँगा ना खाने दूंगा, हम लोग सबका साथ मिलकर काम कर रहे बोलता है। यहाँ पर आपका जो कॉरपोरेटर लोग और अपना जो ये ऑफिसर लोग का पारम, उसका बीबी बच्चा कॉरपोरेटर लोग का अपना पारम जो कर रहा है, क्यों इन्वेस्टिगेशन उसको नहीं कर रहा है? उन लोगों को डरता है क्या? हमारा इंटेलिजेंस से ये हम सवाल करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करता है। आज कई कई जगह में देखता है कोई इनोसेंट लोगों को ऐसे उठा के ले जा रहा है अपापू एक्ट में लगा के। क्या इन लोगों को भी अपापू एक्ट नहीं लगा सकता है क्या? करप्शन करने वाला का अपापू एक्ट नहीं लगा सकता है क्या? ये हमको देखने से बहुत ताजुब लगता है। आज चोरी करने वाला या बाहर में और अच्छा काम करने वाला लोगों अंदर और सरकार क्यों गौर नहीं कर रहा है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपापू एक्ट जो कोर्टर चोरी को भी लगाना है, करप्शन पैसा चोरी को भी लगाना है, गलत तरीका से काम करवाने वाला को भी लगाना है, टेंडर से ही नहीं ये भी एक अनलॉफुल एक्ट है, इनको भी लगाना है। ऑफिसर अपना बीबी बच्चा का नाम पे पारम पे ना करने वाला काम करने वाला, इनको भी लगाना अपापू एक्ट। जो ये अपापू एक्ट कोई अच्छा काम को बोलने वाला को क्यों अपापू एक्ट लगा रहा है? आखिरी में मैं पेमा खांडू से ये गुजारिश करूँगा कि जितना भी अभी तक का 15 फाइनेंस कमीशन को जल्दी से जल्दी उसको इन्वेस्टिगेशन को तेजी करवाइए। और होम मिनिस्टर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बामंग पुलिस साहब से, जो किडनैपिंग केस है उनको जल्दी से जल्दी तेजी से मतलब बुक करवाइए, प्लस चार्जशीट तैयार कीजिए दो सप्ताह में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सरकार को सोचूंगा और समझूंगा कि ये सरकार आपका सरकार, आप लोग का सरकार तो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है और गरीब लोगों को मरवा रहा है, ये एक्टिविस्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम समझूंगा। करप्शन का खिलाफ मेरे आपको लड़ना है, आपको अगर अगला बार अगर सरकार भी चलाना है आपको करप्शन का पहले सबसे पहले करप्शन का केसेस को लड़ना पड़ेगा, जो करप्शन कर उनको पहले क्लीन करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग सोचेगा आप लोग सरकार जो करप्शन करवाने के लिए ये सब ऑफिसर लोग को गलत तरीका ऑफिसर लोग को आउट ऑफ टोन प्रमोशन को यहाँ पर लेकर कहीं में करप्शन करवाने के लिए आप लोग का धंधा है, ये हम लोग सोचेंगे मान के जाएंगे। हाँ अगर इस तरह से नहीं होता है तो सरकार अगर क्लीन है तो क्लीन को क्लीन रहने दीजिए। ये ब्लैक होल जैसा हो गया आज का दिन में, ये IMC ऑफिस जो यह सब आएगा करप्शन करने आता है और करप्शन का ही ओरिएंटेड ऑफिसर लोग लेदर ये लोग इधर ही बैठा हुआ है, तो ये हम समझेगा अपना से पारम बनाएगा, अपना से काम करेगा और यहाँ कोई कंप्लेन को भी नहीं सुनता है और अपना मन मर्जी में होटल में कहीं में वो तो लिखत में भी वो तो सोशल मीडिया में भी बोल चुका है ये लोग ऑफिस नहीं है बोल के इधर में होटल में कहीं में बैठ के काम करता है, टेंडर भी बनाता है, किसी को आने नहीं देता है, ऊपर में छत में बैठ कर कोई अलग कॉम्पिटिटर को जाने ही नहीं देता है। इसलिए मैं सरकार को दरख्वास्त करना चाहता हूँ, CM साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जितना जो वहाँ पे माल प्रैक्टिसेस हो रहा है उनको उठा के फेंक दीजिए, क्लीन कीजिए, सफा कीजिए, तब जाके मानेगा कि यस ये बोलता भी है करता भी है, तब जाके मानेगा CM साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है, अरुणाचल आगे उन्नति होने वाला है, तो करप्शन से बचाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।